आईपीएल 2022 के नौवें मैच में आज मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाला है और ये मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाला है। दोनों टीमों की अगर हम बात करें कि अभी तक के आईपीएल में इन्होंने कितने मैच खेले, तो टोटल 25 मैच खेले हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 13 मैच जीते हैं, 11 मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं और एक मैच रद्द हो गया था, बारिश के कारण रद्द हो गया था। तो आज देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम किस पर बाजी मारती है। वैसे राजस्थान रॉयल्स हमेशा मुंबई इंडियंस को एक टक्कर और एक मजबूत टक्कर देती है और वैसे भी इनकी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी मजबूत है। तो आज यहां पर हम आपको बताएंगे कि प्रोबेबल 11 क्या रहने वाली है मुंबई की और राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आ चुके हैं मुंबई में, तो इनका आज के मैच में खेलना लगभग तय है और ये आज का मैच खेलेंगे। तो यहां पर हम आपको प्लेइंग 11 की बात करें तो रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, कायरन पोलार्ड, टिम डेविड, डेनियल सैम्स, बेसिल थम्पी, मुर्गन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और टाइल माइल्स, ये खिलाड़ी आज के मैच में हमें देख सकते हैं। और वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो संजू सैमसन, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिकल, सेमरन हेटमायर, रियान प्राग, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, अश्विन, प्रसिद्ध कृष्णा, नाथन कटरलैंड आज के मैच में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि आज सुपर सैटरडे है और मुंबई में गुड़ी पड़वा का त्यौहार काफ़ी जोरों शोर से मनाया जाता है। तो आज हमें ये मैच 3:30 बजे देखने के लिए मिलेगा स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर और डीवाई पाटिल स्टेडियम में आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप हॉटस्टार पर भी ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो टारगेट है, जो टारगेट चेस करेगी टीम, वो यहाँ पर मैच जीतेगी। अभी तक हमने लगातार देखते हुए आए हैं कि लगातार यहाँ पर जो मैचेस हो रहे हैं वो टीमें पहले टॉस जीतकर फील्डिंग लेती हैं और यहाँ पर टारगेट को चेस करना आसानी समझती है। 180-190 के आसपास अगर स्कोर बनता है तो यहाँ पर एक फाइटिंग टोटल आप टीम के लिए खड़ा कर सकते हैं और 180-190 तक अगर आप पहुँचते हैं तो आप एक फाइटिंग टोटल यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं और दूसरी टीमों के साथ फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो टीमें बनाया है ड्रीम 11 के लिए। अगर आप ड्रीम 11 खेलते हैं तो आप अपनी टीम में अच्छे ओपनर रखिए, अच्छे ऑलराउंडर रखिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकें। तो यहाँ पर हमने पहली जो टीम बनाया है जिसमें हमने ईशान किशन को कैप्टन बनाया है और संजू सैमसन को वाइस कैप्टन बनाया है। ईशान किशन इस वक्त काफ़ी अच्छे फॉर्म में है तो इसके लिए आप इसे कैप्टन बना सकते हैं। तो ईशान किशन को हमने रखा है, संजू सैमसन को रखा है, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रियान प्राग, ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, बेसिल थम्पी, मुर्गन अश्विन, ये एक टीम मैंने रखा है। दूसरी टीम की बात करें तो ईशान किशन, संजू सैमसन, जोस बटलर, देवदत्त पडिकल, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, डेनियल सैम्स, प्रसिद्ध कृष्णा, यूजी चहल, बेसिल थम्पी और जसप्रीत बुमराह को हमने रखा है। कैप्टन हमने बनाया है जोस बटलर को क्योंकि ये ओपनिंग करेंगे। वाइस कैप्टन हमने रोहित शर्मा को बनाया है, ये भी ओपनिंग करने वाले हैं। तो इस तरीके की मैंने टीम क्रिएट की है, आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा पॉइंट अर्न करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ऑलराउंडर और अच्छे टॉप ऑर्डर अच्छे रखेंगे तो आपको अच्छे पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आज के मैच के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करके बताएं। कौन सी टीम आज किस पर बाजी मारेगी इस बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी आपको गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच।